गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस फोटोग्राफी। आज आपके लिए लाया हूं एक न्यू वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ये जो सिग्मा का 35mm लेंस है 1.4 वाला, तो इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। ये बहुत ही एक बढ़िया लेंस है एंड ये एक आर्ट लेंस है, तो इसका जो पिक्चर जो निकल के आता है बहुत ही कमल का एंड बहुत ही वाइड आता है एंड एपर्चर भी बहुत ही अच्छा है 1.4। तो इसका कुछ पिक्चर मेरे पास है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पहले आप लोग देखें। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो ये लेंस आपके पास रहना बहुत ही एक जरूरी लेंस है, क्योंकि ये एक 35mm लेंस है। जो वेडिंग फोटोग्राफर है उसके पास ये लेंस रहता है, तो मैं भी अभी परचेस करूंगा ये 35mm लेंस। तो ये मैंने, मेरे एक फ्रेंड है उससे मैंने लिया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, देखने के लिए ये लेंस कैसा है। एंड ये सिग्मा का लेंस है 1.4 एपर्चर वाला, तो ये बहुत ही बढ़िया एपर्चर है 1.4 एंड ये बहुत ही एरिया कवर करता है। अगर आप लोग ये लेंस यूज़ किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये कितना बढ़िया एक लेंस है। तो मैं इस लेंस से जो पिक्चर है आप लोगों को दिखा दिया कि कैसा आता है इस लेंस से पिक्चर। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, नाइट में ही जो शूट किया एक दो, तो वो सभी पिक्चर मेरे पास अभी है और कोई एक्स्ट्रा कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि इधर में बारिश हो रहा है तो फोटोशूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास उतना सैंपल नहीं है। तो मैं बाद में इस लेंस से बहुत सारे फोटोशूट करूँगा एंड आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये लेंस कितना बढ़िया है। सो गाइस ये जो लेंस है ये बहुत ही वेट है इस लेंस का, तो जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। एंड जब इसका कैमरा के ऊपर आप फ्लैश सेट करोगे तो और भी ज़्यादा वेट हो जाता है कैमरा का, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। एंड बहुत ही एक बढ़िया लेंस है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो मैं इससे पहले जो एक वीडियो शूट किया जो राइस सेरेमनी है, तो उसका एक शूट किया था, तो बहुत ही बढ़िया इससे फुटेज निकल के आया है। मैंने वीडियो शूट किया, मैं तो वीडियो शूट नहीं करता वो, फिर भी मैंने उधर जाके ट्राई किया तो बहुत ही बढ़िया निकल के आया। तो ये लेंस मेरे पास था अभी, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेता हूँ कि ये लेंस कितना बढ़िया है। ये लेंस जो है मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 50mm का लेंस जो मेरे कैमरा पे लगा हुआ है। एंड ये जो ये लेंस है ये 35mm लेंस है, इससे बहुत ही बढ़िया आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो। ये जो लेंस है ये वेडिंग फोटोग्राफर के पास रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक बढ़िया लेंस है एंड ये इस लेंस को हर जगह पे ज़रूरत होता है। जब भी आप वेडिंग शूट में जाओ बहुत सारे जगह पे छोटा डेकोरेशन होता है, तो उस जगह पे ये लेंस तो मस्ट है। ये लेंस या 24-70 का जो लेंस है वो, ये दो लेंस बहुत ही मस्ट है, ये लेंस आपको रखना ही चाहिए। एंड इस लेंस का जो प्राइस है, इस लेंस का प्राइस अभी मेरा जो फ्रेंड है उससे मैंने पूछा तो वो कितने से ख़रीदा, उन्होंने 50,000 से ख़रीदा था। तो मैंने अभी अमेजोन पे सर्च किया तो इस लेंस का प्राइस हो गया है 65,000। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड इसका प्राइस देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ये जो लेंस है ये ऑफलाइन से परचेस किया हुआ है एंड ये 2-3 महीना से पहले ये परचेस किया है, तो तभी प्राइस थोड़ा सा कम था। सो गाइस इस लेंस का जो पिक्चर आप लोगों को मैंने दिखा, ये पिक्चर कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर से कमेंट पर बताइए। एंड इस चैनल पे बहुत ही लेट वीडियो आ रहा है, क्या करूँ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो लेंस है इस लेंस को आप लोग ज़रूर से परचेस करो। अगर आपके पास निकॉन का कोई बॉडी है या फिर कैनन का भी सिग्मा 35mm 1.4 मिल जाता है। सिग्मा का लेंस जो है मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किया था, अभी फर्स्ट यूज़ किया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं भी सोच रहा हूँ इस लेंस को लेने के लिए, ये एक लेंस लूँगा एंड एक 85mm का लेंस लूँगा। तो ये लेंस तो मैं ज़रूर से परचेस कर रहा हूँ एंड आप लोग भी कर रहे हो कि नहीं तो ज़रूर से कमेंट में बताना। तो गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया लेंस है एंड बहुत ही वाइड लेंस है ये 35mm का लेंस, तो इससे आप बहुत ही अच्छे से फ्रेमिंग कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा वीडियो एंड फोटोज़ आता है एंड बहुत ही शार्प आता है। 1.4 में भी मैंने शूट किया, बहुत ही अच्छा पिक्चर निकल के आया है, तो जल्द से इस लेंस को परचेस करो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा चैनल तो छोटा है, आप लोगों को पता ही है क्या स्पॉन्सर करेगा। तो मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, मैं इसलिए आप लोगों के पास सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।